कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं सविता। आज मैं आपको दिखाऊंगी खुद से ही अपने बालों में मेहंदी कैसे लगा सकते हैं हम, और मेहंदी लगाना हमारे लिए कितना अच्छा होता है वो भी इस गर्मी के मौसम में। और जितना हो सके केमिकल से हमें बचे रहना चाहिए, क्योंकि केमिकल से हमारे बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको हम अपने आप से अपने बालों में कैसे मेहंदी लगा सकते हैं। और ये देखिए अभी मेरे बाल कैसे ख़राब से हो रहे हैं। मैं मेहंदी लगाऊंगी तो बहुत सिल्की और शाइनी से हो जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये मेहंदी मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख रखी थी, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। मैंने लोहे की कढ़ाई में चाय की पत्ती, पानी में चाय की पत्ती गर्म करके उसको ठंडा होने दिया। फिर मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच कॉफ़ी मिलाई है, और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। अब इसको मैं आपको आज बताऊंगी कि अपने आप कैसे मेहंदी लगा सकते हैं इजीली। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई दूसरा नहीं है लगाने के लिए तो हम मेहंदी ना लगाएं। तो खुद से ही मेहंदी लगाने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे करती हूँ मैं ये। बालों की जड़ों में फिर हम इसी दूरी पे अपने राउंड बाई राउंड लगाते जाएंगे। वैसे तो सभी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को महंगे वाले कलर पसंद है, कोई हल्के लाइट और मतलब सस्ते वाले कलर से भी खुश है, और कोई मेहंदी लगा के खुश है। तो वो सभी की अपनी अपनी पसंद होती है कि अपने बालों में कोई कलर कैसे और किस तरीके से करता है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बालों में कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेहंदी लगाने में थोड़ा चक्करबाजी तो है देखो, क्योंकि जिस दिन हम मेहंदी लगाते हैं उस दिन हमारा पूरा दिन लग जाता है। बाकी मेहंदी का अलग ही मजा है, और गर्मी में तो जो ठंडी ठंडी लगती है ना उसका भी इतना अलग मजा है।
रही हो, लेकिन और नहीं आने चाहिए उस गली के, क्योंकि सारे ठूस जाएंगे खाना। अच्छी सी बात की पार्टी है। किस बात की पार्टी? अरे वो क्या कहते हैं, फिर वो जा रही है तो हम इंग्रेडिएंट्स कर रहे हैं, तो पार्टी होती है। बाबा को देखो, आज दादी का मन हो रहा है खिचड़ी खाने का, आज मैंने मुझे बोला कि मुझे रोटी नहीं खानी है, मैं हम खिचड़ी खाऊंगी, तो मैं दादी के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। मम्मी पापा का खाना हो चुका है, मैं अब बच्चे हैं अभी खाने पी हो गया, खर्च गया हुआ है कॉलेज, मैं अपना काम से फ्री हूँ, तब तक खर्च भी आ जाएगा। हंसती है, मैं ये बोल रही हूँ।
अब काम ज्यादा करती है, हस्ती कम है। क्या बात हुई, लड़ाई हो रही है? नहीं। और पहले जैसे हंस रही है? अब ना हंस रही तू, पहले जैसी रहेगा ना खुश, पहले हंसती रहती थी, अब काम काम काम। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।